मेरा नाम रवि कुमार पराशर है और हमारे पास वैदिक आयुष के प्रोडक्ट हैं। वैदिक आयुष जो है राजस्थान में स्थित एक गौशाला है कल्याण गौमृतालय के नाम से। अभी हमारा स्पेशलाइजेशन है धूप स्टिक जो है वो हम लोग बनाते हैं करीब 17 प्रकार की। हमारे जो फाउंडर हैं शिव कुमार जी आचार्य, उन्होंने करीब 10 वर्ष के अथक प्रयास से ये सारी चीज़ें बनाई हैं, काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी सारी उनकी जो है ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों को ध्यान में रख के सारी चीज़ें बनाई हैं। गौ में वसते लक्ष्मी, आपने ये तो सुना ही होगा। अभी क्या होता है कि जैसे आयुर्वेद में फ्यूम थेरेपी का जिक्र है, फ्यूम थेरेपी मतलब धुआं चिकित्सा। अब कई लोगों को समझ में नहीं आता कि धुएं से भी चिकित्सा हो सकती है, तो धुएं से चिकित्सा होने के पीछे का कारण ये है कि हमारा जो पाचन तंत्र है अगर वो औषधियों को लेने लायक स्थिति में नहीं है या किसी वजह से औषधियाँ पचा नहीं पा रहा है या किसी वजह से औषधियाँ ली नहीं जा रही है, तो उसके लिए क्या होता है कि फ्यूम थेरेपी का जिक्र किया गया है आयुर्वेद में। फ्यूम थेरेपी मतलब देशी गाय के गोबर का कंडा, उसको जलाना होता है, उसके ऊपर कपूर और घी डालना होता है, उसके बाद में उसमें अलग अलग औषधियाँ डाली जाती है जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ दूर होती है। जैसे अगर गुड़ डाला जाए तो जॉइंट पेन में रिलीफ आता है, वात दोषों में जो है लाभ होता है। उसके अलावा अगर लोबान डाला जाए तो लोबान क्या करता है, एंजाइटी दूर करता है, डिप्रेशन दूर करता है। तो अभी क्या है, हर व्यक्ति के लिए आज की तारीख में धूप जलाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब लोग शहर में रहते हैं, काफ़ी छोटे छोटे घरों में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो उसके लिए क्या है कि धूप बत्ती बनाई गई है। तो धूप बत्ती में हमारे पास करीब 17 प्रकार की धूप बत्ती हम लोग बनाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ये गूगल वाली धूप स्टिक रखी हुई है, तो गूगल के अलावा इसमें और भी अन्य औषधियाँ डाली गई है। गूगल जो है जॉइंट पेन में रिलीफ देता है, वात दोषों में ये बहुत ही लाभकारी होता है, और हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की जो गूगल होती है वो हम लोग इसमें डालते हैं। उसके अलावा ये हवन है, वैसे तो हवन और अग्निहोत्र रोज़ करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए, नेगेटिविटी दूर होती है और भी घर का वातावरण शुद्ध होता है, मच्छर वगैरह में भी रिलीफ रहता है और भी बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ होते हैं। उसका कारण क्या है कि जो देशी गाय का गोबर है उसको जलाने पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलती है। तो अभी जैसे ये हवन वाली धूप बत्ती है, तो हवन वाली धूप बत्ती की स्पेशलिटी ये है कि ये इसमें करीब 52 औषधियाँ डाली गई जो हवन में डाली जाती है, और सारी औषधियाँ अपने शुद्धतम रूप में हैं, तो इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। उसके अलावा क्या है, ये हमारी नवग्रह वाली धूप है, तो ये नवग्रह जो धूप है इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें नवग्रह संहिता है, उसके अलावा ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों को ध्यान में रख के इसे बनाया गया है, तो आपकी नौ ग्रहों की शांति भी इससे होती है। उसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में लाल मिर्च भी डाली गई है, उससे नज़र वगैरह नहीं लगती, और भी बहुत सारे इसके लाभ हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इससे ये जो भी यहाँ पे हमारे उत्पाद हैं इनकी राख को आपको फेंकना नहीं है। एक बार ये धूप बत्ती जल जाती है तो इसकी राख को आपको संभाल के रखना है, वो आप पौधों में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इसे पानी में घोल के पी सकते हैं। पानी में घोल के पीने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की तारीख में लगभग हर घर में आरओ लगा दिया लोगों ने। आरओ क्या करता है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन मिनरल सारे निकाल के फेंक देता है, उसके बाद जो पानी आता है वो हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो आपका जब ये देशी गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती की जो राख है आप उसमें जब डालेंगे पानी में, तो वो आयन रिचार्ज करता है, उसके अलावा मिनरल्स रिचार्ज करता है। आयन्स और मिनरल रिचार्ज करने के अलावा पीएच लेवल भी मेंटेन करता है, तब वो पानी आपके पीने लायक होता है। उस वो पानी जब आप पीते हैं तो आपको कई सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। दूसरा, जैसे ये कल्याण समृद्धि है, तो कल्याण समृद्धि की स्पेशलिटी ये है कि इसमें भी कई सारी औषधियाँ हैं, जैसे अगर तगर नागर मोथा कपूर काचरी और भी अन्य प्रकार की औषधियाँ इसके अंदर डाली गई है। उसके बाद ये लोबान है, लोबान एंजाइटी दूर करता है, एंजाइटी दूर करने के अलावा ये जो है वातावरण बहुत शुद्ध करता है, एंजाइटी डिप्रेशन सारा दूर करता है। उसके बाद हमारा ये फ्लावर वाला कलेक्शन है, तो फ्लावर वाले कलेक्शन की स्पेशलिटी भी ये है कि ये जो जितना भी फ्लावर वाला कलेक्शन है इसमें या तो एसेंशियल ऑयल है या सूखे फूलों को पीस कर डाला गया है, तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे सारे लैब टेस्टेड हैं, पूरी तरह सेफ हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और घर के वातावरण को पॉजिटिव बनाता है, शुद्ध करता है। फिर आप देख रहे हैं हमने पैकेजिंग पे भी काफ़ी अच्छा खासा काम किया है, एक गौशाला होने के बाद भी काफ़ी मतलब पैकेजिंग पे अच्छा खासा काम किया हुआ है। फिर ये मोगरा जो है हमारे फार्म में हमारे खेत में खुद उगाते हैं, नेटिव ब्रिड का मोगरा है ये, इसकी जो सुगंध है वो बहुत ही अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात ये है कि धुआं कम निकलता है और उसके अलावा आँखें नहीं जलती है, जो भी स्मेल आती है वो बहुत प्लीजिंग होती है, और क्योंकि औषधियों से बनी हुई सारी हमारे ये उत्पाद हैं तो औषधियों के जो बेनिफिट है, जो औषधियाँ खाने पे मिलते हैं, वो इसकी जो फ्यूम है उसको सूंघने पे भी मिलते हैं। उसके अलावा ये पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये थोड़ी पर केजी के मतलब ये वजन के हिसाब से है ये, तो ये फ्लावर वाली है मोस्टली, और ये जो पैकेजिंग है ये थोड़ा सा कल्याण समृद्धि का बड़ा पैक है, तो ये भी अवेलेबल है, ये 90 स्टिक का होता है। उसके अलावा हमने एक पैक और बनाया है जिसमें आपको सारे फ्लेवर मिल जाएंगे एक साथ,
ये आप देख सकते हैं, इसमें हवन भी है, लोबान भी है, गुगुल भी है, नवग्रह भी है, सारा है। ये कैसा है, हमारा जो उद्देश्य है, हमारी गौशाला का उद्देश्य ये है कि इन उत्पादों के जरिए जो गौशाला है वो हमेशा आत्मनिर्भर बनी रहे और गाय को बचाने के लिए या गाय को डेवलप करने के लिए या उसकी उपयोगिता साबित करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। आज स्थिति ये आ गई है। और कैसा है कि ये सब चीज़ें इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि भाई गाय सिर्फ दूध के लिए ही नहीं लोग रखें, जबकि उसके गोबर गौमूत्र से ही बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। ये सब हम यहाँ जो है लोगों को और दुनिया को बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा भी कई सारे अन्य उत्पाद जो है यहाँ हमारे अवेलेबल हैं गौशाला के, तो आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारी वैदिक आयुष की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जा सकते हैं। ये सारे उत्पाद वहाँ आपको हमेशा मिलेंगे।